Hi, this is Manisa. Welcome back to my YouTube channel. So friends, मैं फिर से आ चुकी हूँ आप सभी के बीच एक न्यू जॉब अपडेट लेकर, जो कि SSB वेरियस पोस्ट रिक्रूटमेंट 2003 रहने वाला है. सो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि SSB यानी सशस्त्र सीमा बल एक पैरामिलिट्री यानी कि सेंट्रल आर्म्ड फोर्स है, जिसके अंदर आपको वेरियस पोस्ट की वैकेंसी आई है, जैसे कि हेड कांस्टेबल, असिस्टेंट ऑफ सब इंस्पेक्टर, कांस्टेबल, ट्रेड्समैन के लिए बहुत वम्पर वैकेंसी निकल के आई है. सो फ्रेंड्स, ये ऑल इंडिया की वैकेंसी रहने वाली है. मोस्टली ग्रुप सी के लिए इसमें पोस्ट देखने को मिलेंगे आपको, और इसमें मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट के लिए काफ़ी सारी पोस्ट और वैकेंसी रखी गई है. तो चलिए डिटेल से इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं. तो अगर हम सभी पोस्ट को कंबाइंड करके टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करें, तो इसमें वैकेंसी आपको 1638 रखी गई है. लेकिन जो सबसे बेस्ट पोस्ट है, जिन पोस्ट के रिगार्डिंग सबसे ज़्यादा डिमांड है, वो है आपका फर्स्ट कांस्टेबल ड्राइवर की, जिसके लिए टोटल पोस्ट 96 रखा गया है. सेकेंड आपका हेड कांस्टेबल है, जो कि सबसे ज़्यादा वैकेंसी यानी 578 आपको रहेगा. और तीसरा सबसे बेस्ट पोस्ट है आपका असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, तो इसमें आपका टोटल सीट्स 40 रहने वाला है. और भी बहुत सारे टेक्निकल और नॉन टेक्निकल पोस्ट इसमें आपको देखने को मिलेंगे. इसकी जो डिटेल है वो हर पोस्ट के लिए थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है. इसमें आपका हायर एजुकेशन लेवल रहेगा, एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट्स, एक्सपीरियंस आपसे मांगा गया है. लेकिन इन तीनों पोस्ट के लिए कोई एक्स्ट्रा एजुकेशनल सर्टिफिकेट नहीं मांगा गया है. मैक्सिमम लोग यही पोस्ट के लिए आपको फॉर्म भरने वाले हैं. तो आगे हम इन्हीं पोस्ट के डिटेल्स पे फोकस करेंगे, चर्चा करेंगे. अगर इम्पॉर्टेंट डेट्स की बात करूँ मैं, तो ये फॉर्म आपका अप्लाई होना 20 मई से स्टार्ट हो गया है, और आपका लास्ट डेट 18 जून 2023 रहने वाला है. तो आपको लास्ट डेट का वेट नहीं करना है, आप जितना जल्दी हो सके इस फॉर्म को भर दो. अगर मैं इस फॉर्म की फ़ी की बात करूँ, तो OBC, EWS और जनरल बच्चों के लिए 100 रुपीज़ लगने वाला है. और अगर वही मैं SC ST और फीमेल कैंडिडेट्स की बात करूँ, तो उनसे कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा. तो चलिए अभी हम कांस्टेबल ड्राइवर की पोस्ट डिटेल्स को देखते हैं. सबसे पहले एज लिमिट. अगर एज लिमिट की बात की जाए, तो कांस्टेबल ड्राइवर की पोस्ट के लिए आपका 21 साल से लेकर 27 साल के बीच में जो भी बच्चे हैं, वो एलिजिबल है फॉर्म अप्लाई करने को. क्वालिफिकेशन इसमें आपको 10th पास होना चाहिए. हेवी मोटर व्हीकल का आपको ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए. सेकेंड इम्पॉर्टेंट पोस्ट आपका हेड कांस्टेबल कम्युनिकेशन है. इसके लिए आपको जो एज लिमिट रखा गया है, वो आपको 18 to 25 years का रहेगा. इसके अगर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात की जाए, तो आपको 12th पास होना चाहिए साइंस सब्जेक्ट के साथ, यानी कि आपके 12th में मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री सब्जेक्ट होना चाहिए, या फिर आपने डिप्लोमा कर रखा है इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर साइंस या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से, तो आप इस पोस्ट की फॉर्म भरने के लिए एकदम एलिजिबल हो. वहीं अगर असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की पोस्ट या स्टेनोग्राफर की पोस्ट के लिए देखें, तो आपकी एज जो है, एज लिमिट, वो आपका 18 to 25 years रहेगा. क्वालिफिकेशन में आपको 12th पास होना चाहिए, साथ ही साथ स्टेनोग्राफी भी आपको आनी चाहिए. अगर आप 80 वर्ड शॉर्ट हैंड सीख लेते हो हिंदी या इंग्लिश में, तो समझ लो कि आपका सिलेक्शन पक्का हो गया है. सो अगर हम लोग सिलेक्शन प्रोसेस की बात करेंगे कि किन प्रोसेस के थ्रू आपका इन पोस्ट पर सिलेक्शन होने वाला है, 3 स्टेज में आपको क्वालिफाई करने के बाद ही आपको इन पोस्ट पे सिलेक्शन होता है. सबसे पहले आपका PET और PST टेस्ट होता है, यानी कि फिजिकल प्लस मेडिकल टेस्ट. सेकेंडरी आपका ऑनलाइन CBT एग्ज़ाम लिया जाता है. थर्ड आपको स्किल टेस्ट देना होता है, उसके बाद ही आप इस पोस्ट पे क्वालिफाई करते हो.
और अगर जो ऑनलाइन सीबीटी एग्ज़ाम है, मैं उस एग्ज़ाम की पैटर्न की बात करूं तो इसमें आपको चार सेक्शन देखने को मिलता है, जनरल नॉलेज, मैथ्स, जनरल इंग्लिश या हिंदी और रीजनिंग के आपके टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 रहते हैं और आपका 2 घंटे का पेपर होता है, 100 क्वेश्चन 100 नंबर का रहता है। और आपको सेक्शन वाइज अगर आप देखो तो चारों सेक्शन से आपका 25 25 जो क्वेश्चन रहता है उसको टोटल मिला के 100 क्वेश्चन रहता है। सो ये सारी जो है वो आपको बेसिक डिटेल्स है एसएसबी वेरियस रिक्रूटमेंट 2023 के लिए। सो अगर आपको इसके बारे में ज़्यादा डिटेल चाहिए या फिर और भी बहुत सारे पोस्ट है या फिर कुछ आपको यहाँ पे दिक्कत आ रही हो समझने में, तो आप एसएसबी के जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे जाके आप नोटिफिकेशन को चेक कर लेना, अच्छे से एक बार थ्रो आउट आप पढ़ लेना उसे। और अगर मैंने जो कुछ भी आपको डिटेल समझाया उसे समझने में आपको कोई दिक्कत आई हो तो कमेंट बॉक्स में आप बता देना। और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ऐसे ही मिलते रहूँगी आपसे न्यू न्यू जॉब अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्स, बाय बाय, टेक केयर।